हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक एमएसपी। मेरा नाम मुनीर है और दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको 6 बेस्ट एंड्रॉइड वीडियो एडिटर्स बताने वाला हूं और इसमें फ्री वीडियो एडिटर्स भी इंक्लूडेड हैं और पेड भी हैं। तो यस, आज का वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 6 पर है VMX। ये एडिटर बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट है बिकॉज इसका यूजर इंटरफेस बहुत ज्यादा इजी टू यूज है और इसको बहुत ही जल्दी से आप यूज करना सीख जाओगे। और इसमें ऑलमोस्ट सभी फीचर्स हैं जो कि एक अच्छे वीडियो एडिटर में होने चाहिए। इसमें आप मल्टीपल लेयर्स ऐड कर सकते हो, उसको मोशन दे सकते हो, म्यूजिक ऐड कर सकते हो और उसको अच्छे से एडिट कर सकते हो, और आपको इसमें बहुत सारे ट्रांजिशंस भी देखने को मिल जाते हैं। बट इसके फ्री वर्जन में थोड़े बहुत लिमिटेशंस है, जैसे कि इसमें आप फ्री वर्जन में सिर्फ 720p 60fps में ही वीडियोस को एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको इसमें वाटरमार्क भी देखने को मिलेगा और आपको थोड़ी बहुत एड्स भी दिखेंगी। एंड इसका जो प्रो वर्जन है उसकी प्राइस है 150 rupees पर मंथ या फिर 900 rupees पर ईयर या फिर 2250 rupees वन टाइम परचेज। तो सिंपल यूजर इंटरफेस और डिसेंट फीचर की वजह से आई थिंक ये सबसे बेस्ट वीडियो एडिटर है बिगिनर्स के लिए। इसके बाद नंबर 5 पर है वीटा। ये भी बहुत ही बढ़िया वीडियो एडिटर है और इसका यूजर इंटरफेस भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें भी आप म्यूजिक ऐड करके उसको बहुत ही अच्छे से एडिट कर सकते हो, मल्टीपल लेयर्स भी ऐड कर सकते हो और की फ्रेम, क्रोमा की, एनिमेशंस, रिवर्स, स्पीड और ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स हैं ये एडिटर के अंदर। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज कम्प्लीटली फ्री। यस, ये वीडियो एडिटर एकदम फ्री है, आपको इसका कोई भी पेड वर्जन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, बाय डिफॉल्ट आपको इसमें वाटरमार्क देखने को मिलेगा, लेकिन आप ये ऐप की सेटिंग्स में जाके उसको डिजेबल कर सकते हो और वीडियो की एक्सपोर्ट क्वालिटी भी आप वहीं पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप एक बिगिनर हो और अगर आप नहीं चाहते कि स्टार्टिंग में ही आपको पैसे देके कोई एडिटर परचेज करना पड़े, तो ये वीटा आपके लिए सबसे बेस्ट एडिटर होगा। और अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू कि अब तक जो मैंने आपको एडिटर्स बताए वो बिगिनर्स के लिए थे, लेकिन अब आगे जो मैं आपको एडिटर्स बताऊंगा वो बिगिनर्स के लिए नहीं है बिकॉज वो एकदम प्रोफेशनल लेवल के एडिटर्स हैं। तो नंबर 4 पर है अलाइट मोशन। ये एडिटर मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा, सीरियसली आई एम वेरी इंप्रेस्ड, और मैं तो सोच रहा हूं कि मैं भी अपनी आगे की वीडियोस ये एडिटर में एडिट करने लगूं बिकॉज इसमें आप बहुत सारी वीडियो और फोटो लेयर्स को अच्छे से मैनेज कर सकते हो, सबको अलग अलग कलर्स दे सकते हो, सबको अलग अलग नेम दे सकते हो और वो सभी लेयर्स में आप की फ्रेम की मदद से मोशन भी दे सकते हो। और आई थिंक ये अलाइट मोशन स्पेशली एनिमेटेड वीडियोस बनाने में ज्यादा यूजफुल होगा, जैसे कि इंट्रो बनाने के लिए या फिर आउट्रो बनाने के लिए, बिकॉज इस तरह के वीडियोस में जो एडिटिंग के फीचर जरूरी होते हैं वो सब ये अलाइट मोशन में आपको मिलते हैं। और ये अलाइट मोशन में आप कोई भी रिजोल्यूशन में वीडियोस बना सकते हो, लिटरली कोई भी रिजोल्यूशन, और ये बहुत ही अच्छी चीज है बिकॉज जनरली मोबाइल वीडियो एडिटर्स में आपको 2-3 रिजोल्यूशन ही मिलते हैं, जैसे कि 16:9 या फिर 9:16, 1:1 या फिर कुछ कुछ एडिटर्स में 3:4 और 4:3 का भी ऑप्शन होता है। बट ये अलाइट मोशन में आप 18:9, 18.5:9, 19:9, 20:9 जो भी रिजोल्यूशन आपको अच्छा लगे वो रिजोल्यूशन में आप वीडियोस बना सकते हो। तो ओवरऑल आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया वीडियो एडिटर है एंड एज आई सेड प्रोबेबली मैं भी अपनी फ्यूचर वीडियोस इसी में एडिट करूंगा। और इसके फ्री वर्जन में आपको इसका वाटरमार्क भी देखने को मिलेगा और थोड़ी बहुत एड्स भी देखने को मिलेंगी। तो अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो आपको इसका प्रो वर्जन खरीदना पड़ेगा जिसकी प्राइस है 60 rupees पर मंथ या फिर 360 rupees पर ईयर। एंड अब नेक्स्ट नंबर 3 पर है पावर डायरेक्टर। अब देखो, मैं वीडियो एडिटर्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊं और उसमें पावर डायरेक्टर को इंक्लूड ना करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता बिकॉज मैं खुद पिछले 4 साल से अपनी सारी वीडियोस पावर डायरेक्टर में ही एडिट करता आ रहा हूं। इनफैक्ट ये वीडियो जो आप देख रहे हो वो भी पावर डायरेक्टर में ही एडिट हुई है। पावर डायरेक्टर भी बहुत ही बढ़िया वीडियो एडिटर है और इसमें भी बहुत बहुत सारे फीचर्स हैं। आई मीन इतने सालों में मुझे आज तक कभी ऐसा नहीं लगा कि काश पावर डायरेक्टर में ये फीचर भी होता, बिकॉज मेरी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो पावर डायरेक्टर में पूरी हो जाती है। और अब तक मैंने आपको जितने भी एडिटर्स बताए वो सब वर्टिकल ओरिएंटेशन में थे, लेकिन ये पावर डायरेक्टर हॉरिजॉन्टल है तो इसीलिए इसमें एडिटिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। और अगर आप इसका प्रीमियम वर्जन खरीदना चाहते हो तो उसकी प्राइस है 280 rupees पर मंथ या फिर 900 rupees पर क्वार्टर यानी कि 3 months या फिर 2000 rupees पर ईयर। एंड इसका प्रीमियम वर्जन खरीदने पे इसमें से वाटरमार्क हट जाएगा, आप 1080p में वीडियोस को एक्सपोर्ट कर पाओगे और बहुत सारे ट्रांजिशंस, बहुत सारे फिल्टर्स, बहुत सारे एनिमेटेड टेक्स्ट के ऑप्शंस भी ऐड हो जाएंगे। ऑलराइट, इसके बाद नंबर 2 पर है KineMaster। ये स्मार्टफोन्स का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वीडियो एडिटर्स है बिकॉज इसमें फीचर्स की कमी ही नहीं है। इसमें इतने सारे फीचर्स हैं कि आई डोंट थिंक कोई और एडिटर में इतने फीचर्स होंगे। मैं खुद पिछले कुछ टाइम तक KineMaster को यूज कर रहा था अपनी वीडियोस को एडिट करने के लिए। आई नो मैंने कुछ देर पहले ऐसा कहा कि मैं पावर डायरेक्टर को यूज करता था, बट मैं पहले KineMaster और पावर डायरेक्टर दोनों को यूज करता था बिकॉज तभी KineMaster में कुछ फीचर्स ऐसे थे जो कि पावर डायरेक्टर में नहीं थे और पावर डायरेक्टर में कुछ फीचर ऐसे थे जो कि KineMaster में नहीं थे, तो तभी मैं दोनों यूज करता था। बट
पहले जो मैं KineMaster के फीचर्स को यूज़ करता था, अब वही सेम फीचर PowerDirector में भी ऐड हो चुके हैं अपडेट आने के बाद, तो इसीलिए अब मैंने KineMaster को यूज़ करना छोड़ दिया। बट स्टिल अभी भी कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि KineMaster में हैं लेकिन PowerDirector में नहीं है, तो स्टिल आई थिंक KineMaster एक बेहतर वीडियो एडिटर है PowerDirector के कंपैरिजन में। तो अगर आपको एकदम प्रोफेशनल लेवल का एडिटर चाहिए या फिर अगर आप एकदम हाई लेवल की एडिटिंग करना चाहते हो तो शायद आपको KineMaster से बेहतर एडिटर नहीं मिलेगा। एंड इसमें भी फ्री वर्जन में आपको एड्स देखने को मिलेंगी और वॉटरमार्क भी मिलेगा, तो अगर आप इसका पेड वर्जन खरीदना चाहते हो तो उसकी प्राइस है 249 रुपीज पर मंथ या फिर 1299 रुपीज पर ईयर। एंड अब लास्टली नंबर वन पर है VN, ये भी एक काफी बढ़िया वीडियो एडिटर है, इसमें भी बहुत सारे फीचर्स हैं और इसका यूजर इंटरफेस भी काफी अच्छा है। इसमें मेन वीडियो, फिर वीडियो और फोटो की लेयर्स, टेक्स्ट की लेयर्स, म्यूजिक की लेयर्स, इन सबको बहुत ही अच्छे से सेपरेट किया गया है इसकी टाइमलाइन में, और इसमें भी ऑलमोस्ट वो सभी फीचर्स हैं जो कि एक अच्छे वीडियो एडिटर में होने चाहिए। एंड इसके पहले मैंने आपको जो दो एडिटर्स बताए KineMaster और PowerDirector, उसमें जितने फीचर्स हैं उतने ये एडिटर में नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, सिर्फ कुछ गिने चुने फीचर्स हैं जो कि ये VN एडिटर में नहीं है। तो कम फीचर्स होने के बावजूद भी मैंने इसको नंबर वन पे इसलिए रखा बिकॉज ये कंप्लीटली फ्री है। यस, इसमें आपको कोई वॉटरमार्क नहीं मिलेगा, आप इसमें 4K 60fps में वीडियोस को एक्सपोर्ट कर सकते हो एंड आप इसके सभी फीचर्स को यूज कर सकते हो बिना कोई पैसे दिए, तो यह एडिटर अच्छा भी है और फ्री भी है, तो इसे बेहतर और क्या ही हो सकता है, और इसीलिए मैंने इसको नंबर वन पे रखा है। तो ये थे 6 बेस्ट एंड्रॉइड वीडियो एडिटर्स। और दोस्तों वीडियो को खत्म करने से पहले लेट मी टेल यू कि अगर आप इसमें से कोई भी एडिटर को डाउनलोड करते हो और अगर आप उसको यूज करते हो और अगर आपको ऐसा लगता है कि यह एडिटर अच्छा नहीं है तो उसको छोड़ मत देना, उसको और थोड़े टाइम तक यूज करना, बिकॉज स्टार्टिंग में कोई भी वीडियो एडिटर हो सकता है आपको अच्छा ना लगे लेकिन जब आप उसके यूजर इंटरफेस के साथ थोड़ा बहुत यूज टू हो जाओगे फिर आपको वो धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। और हाँ, ये सभी वीडियो एडिटर्स की डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस अब ये वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे एक और ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।